हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आज अपने वीडियो में लाइव में जो दिखाने जा रहा हूँ, ये मेथड ऐसा है कि इस मेथड से आप अपने ब्लॉग पे 1-2% नहीं 1000% ज़्यादा ट्रैफिक ला सकते हैं। अब कहेंगे यार ये तो मजाक कर रही है, 1000% ज़्यादा ये क्या पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल है और इसीलिए मैं इस वीडियो में लाइव स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके दिखाऊँगा, वो देखिएगा। तो बात आता है कि आखिर ऐसा क्या मैं दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, जानते हैं कि गूगल हमेशा से अपडेट लाते रहता है। गूगल का पर्पस होता है बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट जो है आप यूजर जितने भी होते हैं, लोग क्वेरी करते हैं, सर्च करते हैं, उनको दिखाया जाए और वो कहीं ना कहीं वेबसाइट जो होता है, जो बढ़िया रहता है, उसको रैंकिंग करता है। और हम और आपके जैसे ब्लॉगर का क्या पर्पस रहता है कि इतना बढ़िया से ब्लॉग को ऑप्टिमाइज करें कि गूगल सबसे पहले दिखाए। और हम लोग बात क्या करते हैं, फर्स्ट पेज पे टॉप 1 to 10, मतलब रैंक 1 रैंक 2 से करके 10 तक, ऐसे बात करते हैं ना। यही चीज़ जो है एक और अपडेट लाया और जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में, वो है दोस्तों फीचर्ड स्निपेट। अब ये एक ऐसा टर्म है, पहले मैं बोल देता हूँ, ये एक ऐसा टर्म है, अगर इसके लिए आप अपने ब्लॉग को ऑप्टिमाइज कर लिए ना भैया, तो आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक बहुत आएगा। और इसीलिए मैं सोचा कि मैं आपको बताऊं जो चीज़ मैं किया हूं और वो जो है कैसे ये चीज़ जो है आपके ब्लॉग के ट्रैफिक बढ़ा देता है। अगर मैं एक बात बताऊं ये कि अगर मान लीजिए कि आपका ब्लॉग है, या मैं अपने एग्जांपल लेता हूं, मेरा ब्लॉग है, मैं कहता हूं कि मैंने एक आर्टिकल लिखा जो 1 to 10 में रैंक नहीं है, ध्यान दीजिएगा 1 to 10 में रैंक भी नहीं है, लेकिन वो पोस्ट जो है सबसे पहले गूगल दिखाता है हर एक यूजर को। अब कहिए यार ये कैसा होता है? तो एक नया टर्म आया गूगल, नया नहीं है तो पुराना, लेकिन आप लोग हो सकता है नए जान रहे हैं, वो है दोस्तों रैंक 0। रैंक 0 का मतलब होता है रैंक 1 से भी पहले, मतलब कि गूगल का जो टेक्नोलॉजी या कहिए एल्गोरिथम इतना स्मार्टली है कि यूजर जो खोजना चाहता है एग्जैक्ट उतना ही पार्ट जो है वो आर्टिकल और पोस्ट से निकाल के गूगल को डायरेक्ट दिखाना होता है, मतलब गूगल अपने पेज पे जो यूजर होते हैं उसको डायरेक्ट दिखा देता है। चलिए मैं लाइव करके दिखा देता हूँ और फिर इसके बाद ये लाइव दिखाने के बाद पूरे वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको पूरा बात समझ में आ जाएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं एज इन्फॉर्मर। देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैं कुछ क्यूरी सर्च कर रहा हूँ, जैसे कि इंटरनेट को फास्ट करने का ईजी तरीका, सिंपल सा ये मैं सर्च कर लेता हूँ, देखते हैं रिजल्ट क्या आता है ताकि आपको से। देखिए यहाँ पे जब रिजल्ट आता है तो नंबर 1 पे मेरा आ रहा है, सबसे ऊपर में देख लीजिए, और नीचे में फीचर्ड स्निपेट भी लिखा हुआ है। किसका ब्लॉग है? tkj.com का। इमेज भी tkj.com का, यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है, लेकिन देखते हैं 1 to 10 में कहीं है मेरा? देखिए कहीं भी मेरा अभी नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं नहीं दिखाई दे रहा। आखिर ये कैसे हुआ, यही समझते हैं इस वीडियो में। चलिए ये आखिर हुआ कैसे, इस चीज़ को समझते हैं और आखिर है क्या। देखिए जिन लोगों को फीचर स्निपेट के बारे में मालूम है वो लोग जो है मेरे दूसरे वीडियो को देख लीजिए, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे कुछ बातें कहना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों का कमेंट आता था कि यार आप जो है प्रैक्टिकल नहीं दिखाते हैं। देखिए ब्लॉगिंग एक बिजनेस है और ब्लॉगिंग जब बिजनेस है तो बिजनेस का कुछ सेक्रेट होता है, मानते हैं या नहीं मानते हैं, क्योंकि इतने ब्लॉगर हैं, कम ब्लॉगर तो नहीं है, और सब ब्लॉगर एक दूसरे से कंपटीशन में रहते हैं, सब चाहते हैं कि मैं बढ़िया करूं तो मैं बढ़िया करूं। तो भाई इतने आसानी से तो सब कुछ बताया नहीं जा सकता है, सब कुछ लाइव डेमो दिखाया नहीं जा सकता, क्योंकि हो सकता है कि आपके लिए एक इंटरटेनमेंट हो, आप मजाक में बोल देते यार दिखाते नहीं है, लेकिन यार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेक्रेट होता है। और गौर कीजिएगा जितने भी ब्लॉगर होंगे ना, टॉप ब्लॉगर होंगे, बड़े बड़े ब्लॉगर होंगे, वो इस टाइप से कम्प्लीटली नहीं दिखाते हैं, कुछ ही पार्ट कुछ ही चीज़ को दिखाते हैं, वो अपने ओरिजिनल आईडी से भी लॉगिन नहीं करते हैं, ऐसा रहता है, या ओरिजिनल अकाउंट या ओरिजिनल चीज़ को जो है कोशिश करते हैं कि नहीं दिखाएं, वो भी अगर दिखाते हैं तो मजबूरी में दिखाते हैं। हाँ यहीं पे अगर कोई पेड कोर्स होता है तो वहाँ पे ऑब्वियसली वो दिखाते हैं, क्योंकि उन्होंने जितना समय लगाया मेहनत किया वो चीज़ जो है उनको कहीं ना कहीं एज ए कोर्स में फी के रूप में मिला है, इसलिए वो दिखाते हैं, क्योंकि वो भी एक बिजनेस मॉडल हो जाता है, राइट। तो चलिए अब टॉपिक पे चलते हैं कि आखिर ये जो फीचर्ड स्निपेट है इसका पर्पस क्या होता है। देखिए गूगल जब से अपडेट लाता है तो गूगल का एक ही पर्पस है, गूगल सर्च इंजन का पर्पस अगर मोटो देखा जाए तो वो है कि सर्च क्यूरी को, सर्च जो होता है उसको सिंप्लीफाई करके यूजर को दिखाना।
तो गूगल एक नया चीज लाया जिसका नाम दिया फीचर्ड स्निपेट, और इसका मकसद यही होता है कि अगर कोई आंसर चाहता है, कोई भी सवाल लिखता है गूगल में, किसी भी टाइप से सर्च करता है, तो उसका जो रियल क्यूरी का आंसर होगा, सच में जितना पार्ट होगा, बस उतना ब्लॉग का जो पेज होगा वहाँ से उठाएगा और डायरेक्ट गूगल अपने ही वेबसाइट पर दे देगा। अब देखिए, मैंने पहले ही बता दिया था इस वीडियो से पहले कि गूगल का यही अपडेट, फीचर स्निपेट अपडेट ऐसा है कि एक तरफ से ब्लॉगर के ट्रैफिक पे, मतलब कि ब्लॉग पे जो है ट्रैफिक 1000 गुना इससे भी ज़्यादा जो है ट्रैफिक ला देगा, मतलब कि इतना ज़्यादा गुना ला देगा, बहुत ज़्यादा ला देगा। लेकिन यहीं पे अगर दूसरे टाइप का ब्लॉगर जो है, जो ब्लॉग बनाए और थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए, ट्रिक नहीं लिए, तो उनका अर्निंग सीधे ड्रॉप हो जाएगा। उनका ब्लॉग रैंक जो है बढ़िया करेगा, लेकिन फिर भी उनके ब्लॉग पे विजिटर नहीं आएंगे। अब कहेंगे ये क्या हो गया, नंबर 1 से भी टॉप में नंबर 0 पर रैंक करेगा लेकिन ट्रैफिक नहीं आएगा। मैं बताता हूँ एक्चुअली क्या है, ये डिपेंड करता है कि आपका ब्लॉग का टॉपिक या ब्लॉग का आर्टिकल किस टाइप का है। अगर कोई इंसान, कोई यूजर, कोई विजिटर इंटरनेट पर आया, कुछ ऐसा सर्च कर रहा है कि सर्च करते ही उसका जो है जितना ज़रूरत है वो डायरेक्ट रैंक जो 0 है, मतलब कि पेज पे, फर्स्ट पेज पे गूगल ने दिखा दिया, वो दोबारा क्यों जाएगा, सवाल नंबर पहला आ जाता है कि आखिर क्यों जाएगा ब्लॉग के वेबसाइट पे जाएगा, उतना समय बर्बाद क्यों करेगा। लेकिन यहीं पे दूसरे कैटेगरी का भी ब्लॉग होता है जहाँ पे कुछ चीज़ें तो दिखाया, जितना पार्ट दिखा सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा देखना होता है, तो लोग को मजबूरी में जो है उस ब्लॉग के पेज पे जाना पड़ता है। मतलब क्या हो गया कि सीधा सीधा हो गया कि फीचर स्निपेट से फ़ायदा ये है कि अगर एक लाइन या दो लाइन का जो है कोई जवाब है, कोई आंसर है जिसके बारे में कोई यूजर इंटरनेट पर सर्च करना चाहता है, तो फीचर स्निपेट यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया है। एक दो लाइन में बात क्लियर वो दिखा देगा, रिजल्ट देख लेगा, यूजर को किसी भी ब्लॉग या वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इससे ज़्यादा का अगर कोई पैराग्राफ है, कोई टेबल है, कोई लिस्टिंग है, कुछ भी है, मतलब कि आंसर है, तो इसके लिए 0 पे रैंक कर रहा हो जो भी ब्लॉग, चाहे मेरा हो या दुनिया का कोई भी ब्लॉग अगर कर रहा हो ना, तो उसके ब्लॉग पोस्ट पर ट्रैफिक भर भर के आएगा। और यही रीज़न है कि मैं हमेशा से खुश रहता हूँ कि नहीं, मेरा जो भी SEO स्किल है, जितना भी मैंने सीखा, इम्प्लीमेंट किया, और वो करने के बाद जो है मुझे रिजल्ट मिला। और यही कारण है कि मैं सोचा कि क्यों ना बेसिक से बेसिक सारे जितने भी चीज़ होते हैं उसको मैं आप लोगों के सामने शेयर करूँ। तो अब मुझे बताइए कि फीचर स्निपेट के बारे में समझे या नहीं समझे। फीचर स्निपेट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो हो सकता है, मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को बताऊँ मैं कैसे इम्प्लीमेंट किया अपने ब्लॉग पे, और ये कैसे आप भी कर सकते हैं ये भी शेयर करूँगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। और जिन लोगों का डाउट था कि स्क्रीन रिकॉर्ड करके नहीं बताता हूँ, तो उन लोगों का भी डाउट क्लियर हो गया होगा। और क्यों मैं आगे नहीं बताने की कोशिश करूँगा स्क्रीन रिकॉर्ड करके, ये भी रीज़न मैंने आपको बता दिया। तो अब आप मुझे बताइए नेक्स्ट वीडियो जो है किस टॉपिक पर बनाऊँ, और अगर मेरा ये कंटेंट बढ़िया लगता है तो भैया लाइक तो बनता ही बनता है, और नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एनीवे मिलते हैं अपडेटेड इन्फो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।